फास्ट फूड खाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर के बाईपास मोड़ पर सोमवार को चीजी चंक्स रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, जहां आपको पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइड चिकन जैसे ढेरों फास्ट फूड की वैरायटी खाने को मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के लिए लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। खाने के साथ साथ लोगों को रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी एक अच्छा अनुभव कराएगा। रेस्टोरेंट के ओनर अश्विनी से सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूँ, जिनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने बिरयानी का सपना देखा था शॉप करने के लिए। मैंने इसको एक मॉडर्न ज़माना में एक नया चीजी चंक्स कैफ़े और रेस्टोरेंट में बदल कर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मतलब ओपन किया। जिस प्रकार से सिवान में रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि आपका रेस्टोरेंट टक्कर दे पाएगा? सबसे पहले कोई भी रेस्टोरेंट होता है मेंटालिटी और मैनेजमेंट पे चलता है। आप मेरे मेनू को देखिएगा, बहुत चीप एंड बेस्ट पॉकेट मनी प्राइस पे है और उसका क्वालिटी भी एक अच्छे स्टैंडर्ड शेफ के द्वारा दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भी कस्टमर आए उनको अच्छा से अच्छा रेसिपी प्रदान किया जाए, जिससे वो लोग खुश रहें और इंजॉय करें। किस किस तरह का वैरायटी है आपके यहाँ, क्या कुछ अलग है सिवान के? जैसे हमारे पास एक ऑल इन वन पैकेज है, जिसमें कि पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मॉकटेल, बेवरेज, स्नैक, राइस बॉल, चिकन बगट, बहुत पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, बहुत चीज़ है। मोमोज भी है, ऑल इन वन जंक फूड में आते हैं, वो भी बिना हाइजीन को देखते हुए बहुत अच्छे से हम लोग सब प्रक्रिया को किए हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग को एक लग्जरी डिजाइन दिए हैं, जिसके कारण अट्रैक्टेड ग्राहक भी अच्छे अपने लुकिंग को अपना इनवाइट करेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान के लोगों से यही अपील करेंगे, हमारा जो सिवान है, आई लव सिवान, एक बहुत अच्छा यह सेल्फी स्टिक दिया गया है। आपसे यही विनती करते हैं, एक बार यहाँ पे सेवा का मौका दें और इस रेसिपी का आप लाभ उठाएं। बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग और बहुत अच्छा रेसिपी तैयार किया गया है और बहुत अच्छा पार्किंग सब कुछ हम लोग के पास पूरा सुविधा है। कोई भी दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा, गाइडिंग किया जाएगा। कोई चीज़ में रेसिपी में गलती भी हो रहा है तो उसको हम अच्छा से सुधार करेंगे, लेकिन एक बार सेवा को मौका दे चीजी चंक्स रेस्टोरेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामना दूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ये ईश्वर इनको विशेष कृपा करें कि एक तो ये लड़का, पिता का साया बहुत कम उम्र में ही इसके सर से उठ गया। अब ईश्वर इस विशेष कृपा करें कि ये अपने चीजी चंक रेस्टोरेंट, जो कैफ़े रेस्टोरेंट है, उसका बढ़िया से चलाए और बढ़िया इसको व्यापार चले, जिससे इसको इसके परिवार के उत्थान में सहयोग मिले। सिवान की जनता से क्या अपील कीजिएगा इस रेस्टोरेंट को? सिवान की जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस रेस्टोरेंट में एक बार कम से कम अवश्य पधारें और इस बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाएं और हाँ, कि कम से कम इसको ग्राहक से जुड़ाव बनेगा तो मुनाफा के साथ इसका संबंध भी बढ़ेगा ग्राहकों से और उसको सेवा करने का, इसको ग्राहक का मौका मिलेगा। तो इसको सेवा करने का अवश्य एक बार मौका दें, हम सभी सिवान के लोगों से आग्रह करेंगे। मेरे दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू स्टार्ट टुडे दिस चीज चंक। एंड यहाँ पे ये सही में यूनिक है बहुत ही, और डिफरेंट है कुछ अदर रेस्टोरेंट से, और हर एक आइटम जो है, हर एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, और बीवरेज वगैरह बहुत सारा फास्ट फूड आइटम है जो कि अदर रेस्टोरेंट से यहाँ पे यूनिक है। और दर्शकों से, जो भी कस्टमर्स हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कम से कम एक बार ज़रूर आके और एक बार सेवा करने का मौका दें और इस डिफरेंसेस को देख के, खुद से परख के देखें और खुद ही पता चल जाएगा यहाँ से। और बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने हम दोस्त अश्विनी कुमार को, जिनका ये चीज़ी चंक है जो कि एक कैफ़े रेस्टोरेंट है। थैंक यू।